बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पैनकेक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लफ़ी से बनेंगे। अगर आपने सेम मेथड और सेम मेजरमेंट से पैनकेक्स बनाए तो आपकी रेसिपी हमेशा परफेक्ट बनेगी, कभी भी फेल नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने इसके लिए लिया है मैदा लेवल करके 1 कप, दूध आधा कप, चीनी इसमें जाएगी 1/3 कप, कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, यानी डेढ़ छोटा चमचा, 1 अदद अंडा और 1 चुटकी जितना नमक। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें हम शामिल करेंगे अंडा। अंडा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी आप किसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने नॉर्मल शुगर यूज़ की है। अब हमने इसमें शामिल किया है दूध, तो ये तकरीबन आधा कप दूध था, वो भी इसमें डाल दिया है। और इन तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है, और हमने इतनी देर तक इसको फेंटना है कि तीनों चीज़ें यकजान हो जाएं और चीनी बहुत ही अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए। जब चीनी बहुत ही अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाएगी, तब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदा 1 कप लेवल करके था, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। अगर आपने मेजरमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट रखी हैं तो आपके पैनकेक्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे, हमेशा परफेक्ट बनेंगे। अब हमने इसमें साथ ही डाल दिया है बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी जितना नमक, और 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है कुकिंग ऑयल। तो 2 टेबल स्पून जितना मेजर करके कुकिंग ऑयल रखा था, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से किसी स्पैचुला की मदद से या कांटे की मदद से मिक्स करना है, यहाँ तक कि ये बिल्कुल स्मूथ बैटर रेडी हो जाए। अब आपको पैनकेक्स खाने के लिए किसी भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ आप इसको घर में भी रेडी कर सकते हैं। ये देखिए कि कितना अच्छा स्मूथ सा हमारा बैटर रेडी है। अब दूसरी साइड पर हमने लिया है एक फ्राइंग पैन, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने पहले इसको थोड़ा सा गर्म किया है। इसके बाद हमने फ्लेम स्लो कर दी है। थोड़े से टिश्यू पेपर की मदद से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है फ्राइंग पैन को, ऑयल लगाकर जस्ट 2 ड्रॉप्स डाल के मैंने इसको ग्रीस किया है। अब आपने जितने बड़े या जितने छोटे साइज के पैनकेक्स बनाने हैं, आपने इसमें इतना ही बैटर ऐड करना है। अच्छा, अब ये जो बबल्स आ रहे हैं, ये इस बात की निशानी है कि आपने अब इसको पैनकेक को फ्लिप करना है, क्योंकि आपकी एक साइड बिल्कुल रेडी हो गई है। किसी भी फ्लैट चमचे की मदद से, स्पैचुला की मदद से आपने इसको आराम से बहुत ध्यान से फ्लिप कर देना है। आपकी एक साइड कम्प्लीटली रेडी है, और ये देखें कितना प्यारा कलर आया है, परफेक्ट कलर आया है, बेहतरीन गोल्डन ब्राउन इसका कलर आया है। इसी तरह से करते करते हमने कोई 6 बनाए थे 1 कप मैदे से, तकरीबन 6 से 7 पैनकेक्स आपके आराम से बन सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि एक एक करके निकालते जाना है, बनाते जाना है। और जब आपने नया पैनकेक का बैटर डालना है, नया पैनकेक बनाने के लिए, आपने इसी तरह से 2 ड्रॉप्स जितना ऑयल डाल के टिश्यू पेपर से इसको ग्रीस करते रहना है। फ्लेम इसकी बहुत ही स्लो होगी, हमने बहुत अच्छी तरह से इनको अंदर से भी गलाना होता है, दोनों साइड पर कलर आ जाए तो आपने इसको डिश आउट करना है। कुछ पर हमने इसी तरह से थोड़ा सा बटर डाल के उसके ऊपर हनी स्प्रेड करके खाया था, जिमल के लिए हमने चॉकलेट सिरप डाला था, मैंने स्ट्रॉबेरी जैम के साथ इसको खाया था, बहुत ही मज़े का लगा, बिल्कुल ही स्पंजी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पैनकेक्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको घर में भी बनाकर, वैसे भी चाय टाइम के में भी खा सकते हैं, आप इसको ब्रेकफास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और इसको ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी न्यू और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।